सीएम अशोक गहलोत ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में एक हफ्ते पहले हुई बाघ ST16 की मौत पर जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने हाई लेवल प्रशासनिक जांच करने के आदेश जारी किए हैं। गहलोत ने 8 जून को हुई इस बाघ की मौत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने और साथ ही लापरवाह कर्मियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के आकलन और साथ ही सरिस्का में प्रबंधन व्यवस्था एवं विभिन्न सुविधाओं के सुधार पर भी सुझाव देंगे। आपको बता दें कि वन अधिकारियों ने कहा कि बाघ ST16 घायल हो गया था और इसके लिए उसका ट्रैकुलाइज कर इलाज किया गया। इसके लिए बाघ को जरूरी डोज भी दिया गया और इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन वह करीब 2 किलोमीटर चलकर गिर पड़ा। जानकार कहते हैं कि वन विभाग ने बाघ को हाई डोज दिया था, लेकिन फॉरेस्ट अधिकारियों ने इसकी मौत हीट स्ट्रोक से होनी बताई थी और इससे वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।